नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। राजस्थान में बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बिजली की डेली खपत बढ़कर 27 करोड़ यूनिट प्रतिदिन के पार पहुंच चुकी है, जबकि पिछले साल बिजली की रोजाना औसत खपत 19 करोड़ 90 लाख यूनिट थी, यानी 7 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली की डिमांड पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। शॉर्ट टर्म टेंडरिंग और एक्सचेंज से बिजली की महंगी रेट पर खरीद के बावजूद बिजली की किल्लत हो रही है। 11 रुपए 15 पैसे यूनिट पर शॉर्ट टर्म टेंडर की अधिकतम रेट और एक्सचेंज से 17 रुपए यूनिट महंगी तक बिजली खरीदने के बावजूद यह स्थिति है। 20 और 21 अप्रैल के आंकड़े बताते हैं कि बिजली की डिमांड 28 करोड़ 22 लाख यूनिट से ऊपर पहुंच चुकी है। तमाम जतन के बावजूद उपलब्धता 27 करोड़ 9 लाख यूनिट तक हो पा रही है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के अकेडमिक कैलेंडर के अनुसार तो छात्र संघ चुनाव अगस्त सितंबर में कराए जाएंगे, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा जुलाई में संभव है। राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही रास्ता खुलेगा। कोरोना के कारण प्रदेश में 2 साल से चुनाव नहीं हो सके थे। प्रदेश भर के छात्र व संगठन चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। छात्र संगठनों का तर्क है कि जब पंचायत निकाय के चुनाव करवाए जा सकते हैं, छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। जयपुर, जोधपुर सहित अन्य विश्वविद्यालयों में लाखों छात्र इन चुनावों से जुड़ते हैं। अकेली राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही 28,000 वोटर हैं। राजसमंद में वैशाख कृष्ण षष्ठी शुक्रवार को श्री नाथ जी की हवेली में बाल स्वरूपों को चौफुली चुंदड़ी के वस्त्र पहनाए। श्री जी को अनूठे श्रृंगार में सजाकर मुखिया बाबा ने लाड लड़ाए। कीर्तनकारों ने श्रृंगार अनुसार पदों का गान कर श्री जी प्यारे को रिझाया। दर्शन करने के लिए भक्तों की कतारें रही। श्रद्धालुओं ने बाल स्वरूपों के दर्शन कर जयकारे लगाए। श्री नाथ जी के श्री अंग पर चौफुली चुंदड़ी का सुथन यानी पजामा, घेरदार वागा और चोली अंगी कार कराई। श्री मस्तक पर लाल रंग की चौफुली चुंदड़ी के छज्जेदार पाग और शीशफूल सुशोभित किए गए। जयपुर में JLN मार्ग स्थित सरस पार्लर पर फिर से लोगों को दूध जलेबी का स्वाद चखने को मिलेगा। इसके संचालन के लिए जयपुर डेयरी ने टेंडर कर दिए हैं। पहले की तरह इस पार्लर को चलाने के लिए रंग रोगन, कुर्सियां, फवारे व लाइटिंग कर सजाया जाएगा। पार्लर में दूध जलेबी, समोसे, पनीर पकोड़ा, मसाला डोसा, आइसक्रीम सहित अन्य खाने पीने के प्रोडक्ट उपलब्ध रहेंगे। आगामी 15 दिन में इसे शुरू कर दिया जाएगा। ठेकेदार हर माह डेयरी प्रशासन को करीब 8 लाख रुपए का भुगतान करेगा। 3 साल पहले ट्रैफिक में बाधा मानते हुए इसे बंद करने का निर्णय लिया गया था। जयपुर डेयरी MD चांदमल वर्मा ने बताया कि लोगों की मांग को देखते हुए सरस पार्लर को फिर से शुरू किया गया। जयपुर डेयरी MD चांदमल वर्मा ने बताया कि लोगों की मांग को देखते हुए सरस पार्लर को फिर से शुरू किया जाएगा। दिल्ली में गुरुवार शाम को सचिन पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के 3 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी संकट का जिक्र कर दिया। गहलोत ने सिविल सर्विसेज डे पर कल्चरल इवेंट में अफसरों के सामने पायलट खेमे की बगावत का जिक्र कर खूब तंज कसे। गहलोत ने कहा, मेरे जो दिल में है वही जुबां पर ला रहा हूँ। सियासी संकट के समय हम 34 दिन होटल में रहे थे। संकट बड़ा था, आप सबकी दुआओं से बच गए, वरना आज यहाँ कोई दूसरा खड़ा होता। जयपुर में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 2 मई से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से 2 से 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन आवेदनों की 17 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। इस प्रक्रिया में प्रदेश में करीब 25,000 स्कूलों में 1,25,000 से ज्यादा सीटों पर गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इन सीटों पर प्रवेश के लिए हर साल 2 लाख से ज्यादा आवेदन आते हैं। पिछले साल करीब 2,83,000 बच्चों ने आवेदन किया था। खेलो इंडिया में नवाचार और युवाओं की बेहतर भागीदारी के लिए चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया में नवाचार और युवाओं की बेहतर भागीदारी के लिए सिहाग को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिविल सर्विस डे पर गुरुवार को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी ने सिहाग को ट्रॉफी और 20 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। समारोह के दौरान जिले की खेल गतिविधियों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया। शिक्षक संघ ने BLO को श्रमिकों के लंबित आवेदन पत्र के भौतिक सत्यापन कार्य से मुक्त करने की मांग की है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम
जिला और ब्लॉक गंगापुर बामनवास वजीरपुर के नेतृत्व में ज्ञापन देकर श्रमिकों के लंबित आवेदन पत्र के भौतिक सत्यापन कार्य से मुक्त करने की मांग की है। जिला कार्यकारी अध्यक्ष सोहन लाल गुप्ता ने बताया कि कलेक्टर के 23 मार्च के आदेश बीएलओ को निर्माण श्रमिकों के लंबित आवेदन पत्र का भौतिक सत्यापन के लिए लगाया गया है। ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षक इस वक्त 5वीं 8वीं और 10वीं व 12वीं बोर्ड के अलावा स्थानीय 1 से 5, 6, 7, 9 व 11 परीक्षा का कार्य कर रहे हैं। झुंझुनू महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल है, लेकिन शिक्षा विभाग प्रदेश की बेटियों के साथ भेदभाव कर रहा है। प्रदेश में इसी साल मंजूर नए 189 महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए विभाग बेटियों के 81 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर ली गई है। प्रदेश में इसी साल मंजूर नए 189 महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए विभाग बेटियों के 81 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर ली गई है। 15 जिलों में खुलने वाले महात्मा गांधी स्कूलों के लिए सर्वाधिक बालिका स्कूल जयपुर में बंद किए गए हैं। राज्य सरकार की बजट घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने 24 मार्च 2022 को प्रदेश में 189 महात्मा गांधी स्कूल नए सत्र से शुरू करने की घोषणा की। इसके लिए को एजुकेशन के 98 व बालिकाओं के 81 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। जैसलमेर में पाकिस्तान से आई आंधी ने रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की शादी में विघ्न डाल दिया। आंधी से शादी का सीन फिल्माने के लिए लगाया गया सेट तहस नहस हो गया। आंधी से फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर को 15 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। आंधी के कारण बुधवार रात फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग करीब 3 घंटे के लिए रोकनी पड़ी। शादी के सेट पर कांच के झूमर सहित कई कीमती सामान नष्ट हो गए। डेकोरेशन के लिए लगा एक बड़ा सेट भी आंधी की चपेट में आ गया। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक ने 145 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसके लिए 25 से 35 साल तक की उम्र के उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 7 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 48,170 रुपए से लेकर 69,810 रुपए वेतन मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।